जिस वीडियो का आप सबको इंतजार था और मुझे भी बड़ा इंतजार था कि मैं वो वीडियो कब बनाऊंगा, तो वो दिन आ गया। पता लग गया मेरा 10 बजे और 9:30 हो गया। एलजीबीटी को बोर्ड प्रमोट कर रहे हैं ना, उसकी नेक्स्ट लेवल है कि मैं गया हूँ क्लास में और मुझे जट सा मरवाने लगे थे। फायर अलार्म की वजह से इन्होंने बाहर निकाल दिया। सब राती शिफ्टन लग गया है, सुबह से 10:30 बजे रहते थे सो गए हैं। और ये क्वाइट सरप्राइजिंग मेरे लिए तब हुआ जब मुझे ये पता चला कि खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब, वो यहाँ के वाइस चांसलर रहे हैं। तो हमने इधर इनके बात की स्टाफ से, तो वो हमें क्या कहते हैं लेके जा रहे हैं बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर खान साहब का नाम वगैरह। बड़ी ऑनर की बात है हमारे लिए कि यार एक जो है पाकिस्तानी और जिसका इतना बड़ा नाम हो वो इस यूनिवर्सिटी में, और मेरे लिए खासतौर पर ऑनर की बात इसलिए कि मैं इधर का स्टूडेंट हूँ और खान साहब यहाँ के वाइस चांसलर थे। कैदी नंबर 804 को सलाम हमारा ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से। आज हमारा है यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे, तो हम यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे जा रहे हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी का क्या कहते हैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का तो एक एटमॉस्फेयर का पता है, पर यूनिवर्सिटी जो है यूके की उसका एटमॉस्फेयर कैसा होता है आज आपको उसका सीन दिखाते हैं। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको आगे के सफर दिखाते हैं। बाकी अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके कपड़े वगैरह निकालते हैं, कपड़े भी निकालने में पीछे रह गए हैं तकरीबन आधा घंटा। जवान सोते हैं ना, तैयारियां ला ला के चेक करें। तो आपके भाई ने सोचा कि आज यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे है तो पुराने कपड़े नहीं आज नए पहनते हैं। जवान उठ के आवाज सुन के हमारी ये जी जॉर्डन है और 25,000 के, पर अगर आप चश्मान मार्केट जाएंगे तो वहां से आपको 2500 के मिल जाएंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। चलो ये निकाल लिए, ये हुड हो गया, ये टी शर्ट होगी और ये जीन्स हो गई और ये बूट। बाकी आपको तैयार होकर दिखाते हैं। हाँ तो ब्रो हम तैयार हो गए हैं, आपको फाइनल लुक दिखाते हैं, चलते हैं। ये सीन है। हाय हाय। बाकी मेरा काफी गंदा हुआ है, इसको चाबी नहीं है, बंद हुआ है, पीछे से जाना पड़ना है। ब्रो चाबी ले ली है, आज भी लेट हो गए हैं। तो ब्रो सीन ये है कि बस आनी है हमारी, और बस अगर लेट होगी तो आधे घंटे का सफ़र है यूनिवर्सिटी का, और पहला लेक्चर है मेरा 10 बजे और 9:30 इधर हो गया, तो मुझे भागना पड़ना है यूनिवर्सिटी की बस ना निकले। बाकी आपको बाद में मिलते हैं। हाँ तो ब्रो बस का हम इंतज़ार कर रहे हैं, मैं तो भाग के टाइम पे पहुंच गया हूँ पर बस अभी तक नहीं आई। और यूके की जो बसें हैं इनका तो मेरा बड़ा वर्स जिसको कहते हैं ना एक्सपीरियंस रहा है। मुझे जब बस की नीड पड़ी है, ज़रूरत पड़ी है, तो बस डिले हो गई है और अभी भी डिले ही आ रही है, देखते हैं आप कितनी देर में आती है। बस हमारी आ ही गई है फाइनली, तो आपको आगे का सीन दिखाते हैं। हाँ तो ब्रो सीन ये है कि हम यूनिवर्सिटी की प्रिंसिस में पहुँच चुके हैं, बस स्टॉप ने हमें सन ब्रिज पर रोड पर उतारा और अब हम यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। और 10 बजे क्लास स्टार्ट होनी है और 10:05 इधर हो गए हैं। 10 मिनट के अंदर अटेंडेंस नहीं लगनी तो आने का फ़ायदा कोई नहीं होना, मार के नहीं होना कि आप आएंगे नहीं आए। बाकी ये चेक करें, ये यूनिवर्सिटी है। बाकी आपको अंदर चल के सीन दिखाते हैं कि जिस लेवल के ऊपर ये एलजीबीटी को सपोर्ट प्रमोट कर रहे हैं ना, उसकी नेक्स्ट लेवल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, और ये हमारी आगे बिल्डिंग। Criteria, or you could look by
region. So if we go into regions, we could look for Yorkshire and Humberside, and within Yorkshire and Humberside, we could look for all of the results with a BD postcode. And हाँ तो ब्रो सीन ये है कि आज हमारा है फर्स्ट डे, तो इधर जो है वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं ये कि इन केस अगर आग वगैरह लग जाती है बिल्डिंग के अंदर तो आपने कैसे अपनी जान बचानी है भाग के। तो ये जो क्या कहते हैं ये जो बाजर है साइलेंट, तो ये उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आपने भागना कैसे बिल्डिंग से। बाकी बहरहाल पहली क्लास मेरी मिस हो गई, अटेंडेंस नहीं लगी। मैं उसका सीन आपको ये बताता हूँ कि मेरी जो थी मुझे बिल्डिंग के अंदर का पता नहीं चल रहा था कि बिल्डिंग के अंदर एंटर कैसे हुआ। मैं बाकी आपको बाहर जाके बताता हूँ। तो ब्रो सीन ये है कि हम बिल्डिंग से आ गए हैं बाहर फायर अलार्म की वजह से, इन्होंने बाहर निकाल दिया और सीन ये है। You could see chat. It's not possible that you cannot see. I think chat is the only visible one. Yeah. सीन ये है कि पहली क्लास की जो है वो अटेंडेंस नहीं लगी। लगी इसलिए नहीं कि क्योंकि हम क्या कहते हैं जो थे, मैं पहुंचा लेट और मुझे मेरे सामने बिल्डिंग और लिटरली ऊपर लिखा हुआ ऑटोमेटिक डोर। मैं उसके आगे खड़ा हूँ और मुझे पता नहीं चला दरवाजा खुल ही नहीं रहा, डोर खुल ही नहीं रहा। तो मैं पूरी बिल्डिंग घूमा, मैं कहा यार खुल क्यों नहीं रहा। मैं दूसरे दरवाजे पर गया तो दूसरे दरवाजे पर नहीं खुला, मैं साइड पर खड़ा हो गया। फिर एक आंटी आई, वो उनकी क्या कहते हैं स्टाफ मेंबर थी, उसने आ गया अपना साइड पे, वो कार्ड टैप किया, बिल्कुल छोटी सी जगह बनी हुई थी, कार्ड टैप किया और वो अंदर चली गई। मैं कहा लाइक ब्रो इसके ऊपर लगाना था टैप करना तो पता ही नहीं था। तो ब्रो सीन ये एक्सपीरियंस ले रहे हैं यहाँ पर, तो इंशाल्लाह ताला। बाकी अब टर्म लेटर इनसे यूनिवर्सिटी से लेना है, वो टर्म लेटर जो होता है वो आपके काम आता है काम के लिए। तो आपको आगे चल के दिखाते हैं कि सीन क्या है। अच्छा यूनिवर्सिटी जो है ना वो आपको एक मॉल का फील ज़्यादा देती है और यूनिवर्सिटी का काम, लाइक हम पंजाब से हैं और यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, तो वो ज़रा इतनी मॉडर्न टच नहीं है उसके अंदर, ओल्ड बिल्डिंग और इस तरह का निज़ाम है। तो बाकी इधर आके ये आपको रिचमंड बिल्डिंग सॉरी, और ये इनका मेन हॉल है, ये इनकी रूफ है। हाँ तो ब्रो सीन ये है कि हमारा थर्ड लेक्चर भी हो गया, थर्ड मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, उसकी वजह ये है कि जी वो प्रोफेसर बड़ा सख्त था, वो तो बात करने में भी रोक रहा था। तो बाकी अब हमारे फोर्थ लेक्चर है उसकी तरफ जा रहे हैं, वो अटेंड करते हैं और आपको फिर बताते हैं। तो पूरा सीन ये है कि जब आप रात को शिफ्टें लगाते हो ना, तो आप यूनिवर्सिटी में आके अपना जो इनपुट है वो क्या देते हैं वो हम आपको चेक कराते हैं। ये चेक करें, ये सामने क्लास हो रही है राइट, और ये साढ़े जट सब रात शिफ्टें ला गया इन्हें, सौ पाउंड से दर्द करके देते इतने सो गए ने, तो उन्हें देख लिया ना उन्हें इन्हें छटना कोई नहीं। हाँ तो ब्रो सीन ये है कि इस टाइम अभी हम लाइब्रेरी में खड़े हैं और अभी प्रैंक होने लगा था हमारे साथ कि मैं गया हूँ क्लास में और मुझे जट साहब मरवाने लगे थे, ठीक है तारा साहब भी ना ले गई थी, इन्होंने मैंने कहा बस टैप कर तो बाहर आ जा, ठीक है अंदर जाने की लोड़ ही कोई नहीं है। मैं गया हूँ अंदर एंटर हुआ, मैंने टैप किया, पीछे मैंने देखा नहीं प्रोफेसर खड़ा हुआ था और उसने मुझे देख लिया, मैं बाहर आया हूँ जैसे वो पीछे से भाग के आ गया, कहते मुझे काट दो काट दो काट दो काट दो। तो मैं कहूँ मेरी बात तो सुन लें, मैं आया हूँ बिट हरी, मैं एमरजेंसी में हूँ, ठीक है। तो मुझे कहता कि या तो क्लास लो या तो काट दो, तो फिर मुझे क्लास लेनी पड़ी और अल्लाह ने बचा लिया, नहीं तो आज पहला दिन सी, पहले दिन ही सीन अपना हो जाना सी। तो ब्रो सीन ये है कि ये है प्राउड मोमेंट और फैन मोमेंट भी कह सकते हैं। हाँ मैं ब्रैडफोर्ड के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड के अंदर, और ये क्वाइट सरप्राइजिंग मेरे लिए तब हुआ जब मुझे ये पता चला कि खान साहब जो हैं इमरान खान साहब वो यहाँ के वाइस चांसलर रहे हैं। तो हमने इधर इनके बात की है स्टाफ से, तो वो हमें क्या कहते हैं लेके जा रहे हैं बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर खान साहब का नाम वगैरह एज ए चांसलर लिखा हुआ है, और ये आप चेक कर सकते हैं। सो ब्रो ये फैन मोमेंट है अपने लिए कि हमारे जो प्रीवियस खान साहब थे इस टाइम तो हैं वो क्या कहते हैं प्रिजन में, बट
ये मेरे लिए और सारे पाकिस्तानियों के लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनके लिए एक फैन मूवमेंट है कि उनका अभी भी इधर नाम है। और ये आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो फिफ्थ वाइस चांसलर थे 2005 के अंदर। तो ये बड़ी ऑनर की बात है हमारे लिए कि यार एक जो है पाकिस्तानी और जिसका इतना बड़ा नाम हुआ वो इस यूनिवर्सिटी में, और मेरे लिए खासतौर पर ऑनर की बात इसलिए कि मैं इधर का स्टूडेंट हूँ और खान साहब यहाँ के वाइस चांसलर थे। तो प्राउड मोमेंट है मेरे लिए बड़ा कि खान साहब इधर हैं। तो बाकी खान साहब के लिए अल्लाह ताला सानिया फरमाए। कैदी नंबर 804 को सलाम हमारा ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से। When Imran was here doing the graduation ceremonies, wouldn't you? Oh, all right. My colleague Javed, he brought his cricket bat in and he got Imran to sign it. So he's pride of place in his house. Oh yeah. Yeah, that's a proud moment for every Pakistani or every cricket lover. Yeah. ये सीन है, आपको हमने सीन दिखा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्वाइट नर्वस सीन था भाई देख के। तो मैंने इनसे पूछा बिल्डिंग के अंदर और लिटरली यकीन माने इन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप उधर चले जाएं। वो खुद आए हैं अपनी पोजीशन से और उन्होंने कहा कि आए मैं आपको ले कर चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ तो ब्रो सीन ये है कि हमारा जो है वो डे ऑफ हो गया है और हमारी तकरीबन 10 से लेकर 6 बजे तक क्लासेस थी। तो यूनिवर्सिटी का आपको क्या कहते हैं क्लासें वगैरह हमारी हो गई हैं इंशाल्लाह ताला। आपको अब अन करीब जट साहब के साथ हमने यूनिवर्सिटी टूर भी देना है। तो जट साहब की बंद हो गई, जट साहब कहते हैं मैंने कैमरा बुला के कभी इधर। बहरहाल ब्रो सीन ये है कि हमारा आज का जो था फर्स्ट डे वो कम्प्लीट हो गया। उसके अंदर कहते हैं जितने लेक्चर थे हमने 4 लेक्चर लिए हैं, 4 या शायद 5। तो वो आपको एक्सपीरियंस कराएं। बाकी बहरहाल ये सीन है और सीन ये है कि आप AR डोडा को लाइक और सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह ताला आपको इन फ्यूचर भी मजीद इस किस्म के व्लॉग मिलेंगे। तो अभी हम यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं घर, तो एक दोस्त को मिलना और उसके बाद फिर। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।